माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। हम लोगों ने शुरू किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बेसिक अकाउंटिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुककीपिंग। तो चलो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स की जो हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है यू एंड मी में। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टैंड द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन आर दोज एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू persons और accounts। फॉर example, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, borrowing फ्रॉम banks, lending ऑफ मनी, salaries paid, rent paid, etc। तो कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जहां पर हम धन का, मनी का लेन देन करते हैं बिटवीन टू persons और टू accounts, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले समय में हम लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे कि एक व्यक्ति ने कोई चीज दे दी और उसके बदले में दूसरी चीज ले ली। लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन में जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हैं जिसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हों, यानी कि हमें मनी के रूप में कुछ मिल रहा हो। जैसे कि हमने गुड्स को सेल किया, तो जब हमने सेल कर दिया तो गुड्स हमारे पास से चली गई और हमारे पास उसके बदले में क्या आ गया? पैसे आ गए। इसी तरह से जब हमने परचेज ऑफ गुड्स किया तो हमने गुड्स को परचेज किया और उसके बदले में हमने पैसे दे दिए। इसी तरह से आपने सैलरी पे की, तो जब आपने सैलरी दी तो आपके पास से कैश चला गया। यानी जब आप मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो अपनी बिजनेस एक्टिविटी के दौरान, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जो ट्रांजेक्शन होती हैं ये दो तरह की होती हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन इज वन विच वेयर कैश इज रिसीव्ड और पेमेंट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। जहां पर हम सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं? हम सिर्फ कैश के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हर चीज हमारी कैश के बदले में ही हो रही है, हम सिर्फ उसमें मनी ही इंक्लूड कर रहे हैं। सपोज करो कि हमने कुछ गुड्स जो हैं वो कन्हैया राम से परचेज करी, तो जब हम गुड्स उसे परचेज करें तो उसके बदले में उसको क्या पे कर रहे हैं? उसको हम कैश इमीडिएटली पे कर रहे हैं। तो जहां पर हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं या इमीडिएट पेमेंट रिसीव करते हैं, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इसी तरह से क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। क्रेडिट होता है उधार पर, यानी जब हम उधार पर कोई चीज लेते हैं या देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उधार पर, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जहां पर कैश जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति से कैश पर, सपोज हमने किसी से गुड्स परचेज करी और मैंने उसको बोल दिया कि मैं इसकी पेमेंट जो है वो आपको एक महीने के बाद पे कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने उससे गुड्स जो है वो किस पर खरीदी? उधार पर खरीदी। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जहां पर हम उधारी में काम करते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपराइटर। प्रोपराइटर को हम ऑनर भी बोलते हैं। ऑनर जिसका बिजनेस है, जिसने बिजनेस जो है वो शुरू किया है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऑनर बोलते हैं। अ पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस इज कॉल्ड अ प्रोपराइटर। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर बोलते हैं। He contribute capital to the business with the intention of earning the profit। उसका main काम क्या होता है कि वो business में पैसा लगाता है, assets लगाता है, और उसकी main intention क्या होती है कि वो उससे क्या खरीद ले? उससे वो profit को earn कर सके। So this is the basic objective behind this। Next is capital। अब याद रखना हमारे पास दो तरह के terms होती हैं, एक होती है capital, दूसरी होती है drawings। ये पढ़ी है drawings और ये पढ़ा है capital। ये दोनों ही शब्द किसके लिए use किए जाते हैं? ऑनर के लिए, प्रोप्राइटर के लिए यूज किए जाते हैं। जब एक प्रोप्राइटर कोई भी चीज बिजनेस को देता है, अपने बिजनेस में लगाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और अगर वो कोई भी चीज बिजनेस से लेता है, कोई भी चीज जो है वो अगर अपने बिजनेस से ले लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज अगर हम अपने बिजनेस में देते हैं या फिर
ओनर अपने बिजनेस में से कोई भी चीज लेता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। मेरे ख्याल से आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कैपिटल इज इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। दिस इज सॉरी टू फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। दिस अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड एंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो कोई भी कैपिटल, जो भी व्यक्ति, जो प्रोप्राइटर है, जो अपने बिजनेस में कोई भी चीज लगाता है और उसको लगाने से उसके जो प्रॉफिट्स है वो जब इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि द अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड एंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो भी वो प्रॉफिट उससे कमाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इट इज डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ लॉसेज इंकर्ड एंड द अमाउंट विथड्रॉन। ये किससे डिक्रीज होगी, अगर हमें लॉसेज होंगे यानी ऑनर को लॉसेज होंगे या फिर वो अपने बिजनेस से पैसे निकालना शुरू कर देगा तो उसको क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी कैपिटल जो है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आनंद स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज 5 लाख। उसने अपने बिजनेस में, मिस्टर आनंद ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए तो कैपिटल क्या हो गई, 5 लाख रुपए हो गई। इसी तरह से ड्रॉइंग्स क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई ओनर अपने बिजनेस से कोई भी चीज जो है वो बाहर निकालता है अपने यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए नहीं, अपने यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में मैंने अपने बेटे की फीस जो है, स्कूल की फीस जो है, उसको भरने के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल लिए तो ये क्या माना जाएगा, ये ड्रॉइंग्स मानी जाएंगी। लेकिन अगर मैंने अपने बिजनेस से कैश निकाला किसी की पेमेंट करने के लिए जो कि बिजनेस से रिलेटेड थी, तब वो ड्रॉइंग्स नहीं मानी जाएंगी। जब एक ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए या अपनी फैमिली की यूज के लिए कोई पैसे निकालता है, गुड्स निकालता है बिजनेस में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ये जो दोनों वर्ड्स है, कैपिटल और ड्रॉइंग्स, दीज आर यूज फॉर द ऑनर ओनली। नाउ नेक्स्ट इज एसेट। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू द बिजनेस। कोई भी चीज जिससे आप बिजनेस करते हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप बिजनेस करते हो, आप अपना बिजनेस करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम एसेट कहते हैं। कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, बैंक बैलेंस, डेटर, ये सारे मेरे लिए क्या है, मेरी एसेट है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप अपनी, मैं सपोज टीचर हूँ, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो उस टाइम वो क्लास, वो वहाँ का व्हाइट बोर्ड, वहाँ का जो चौक है, वहाँ का जो डस्टर है, यहाँ वहाँ की जो लाइटिंग है, फैन है, ये सब मेरे लिए क्या है, एसेट है, जिसकी सहायता के साथ मैं क्या कर पा रही हूँ, आपको पढ़ा पा रही, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रही हूं। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आप बिजनेस करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो बिजनेस में ये क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, प्लांट मतलब जहां पर आप काम, अपना बिजनेस लगाते हो वो प्लांट, लैंड, फर्नीचर, फिटिंग्स, इसी तरह से आपका जो रॉ मटेरियल है वो सभी आपके लिए क्या है, एसेट्स है। अब एसेट्स भी दो तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। इनटेंजिबल वो होती है जिसको आप ना तो छू सकते हो और ना ही आप देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। लाइक गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। पेटेंट, जब आप कोई अपना टेक्नोलॉजी जो है उसको पेटेंट अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते हो, तो ये सारी चीजें हैं, इनकी वैल्यू होती है, इसीलिए ये हमारी एसेट है। लाइक अगर आपने सपोज करो कि आपने गोपाल स्वीट्स की वो लेनी है, फ्रेंचाइजी लेनी है, यू हैव टू पे समथिंग, आपको उसके बदले में कुछ पे करना पड़ता है। क्यों पे करना पड़ता है, क्योंकि बंदे जो है, जो भी बिजनेस आपके पास आएगा वो किसके नाम से आएगा, गोपाल के नाम से आएगा, ना कि आपके शॉप के नाम से आएगा। तो ये जो गोपाल का रेपुटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। सो दीज एसेट्स आर नोन एज इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द
बिजनेस. दिस डिनोट्स द अमाउंट विच अ बिजनेस owes to other. For example, loan from bank or other person. अब liabilities क्या होती हैं? जो हमारी देनदारियां होती हैं. हमने अगर उधार पर कोई चीज खरीदी तो उसके बदले में मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये मेरी क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई. आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो ये मेरी क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई. यानी जो चीज मैंने उधार पर ली और मुझे वापिस करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज बोलते हैं. ड्रॉइंग्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. नाउ डेटर्स. डेटर्स आर द पर्सन जिससे जिसको हमने उधार दिया होता है. लाइक अगर मैंने कोई क्रेडिट सेल करी है तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे उससे उस व्यक्ति से पैसे जो है वो थोड़ी देर के बाद मिलेंगे. तो वो जो पर्सन जिससे मैंने पैसे लेने हैं, बिजनेसमैन ने पैसे लेने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं. अ पर्सन हु रिसीव अ बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी और मनी वर्थ इमीडिएटली बट लायबल टू पे इन फ्यूचर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इज अ डेटर. उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर. डेटर का उल्टा क्या होता है? क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन है? जिस पर्सन से हमने उधार पर माल खरीद रखा है. तो मैंने जिससे उधार पर खरीदा तो वो मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर. यानी मैंने उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है. अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि लायबिलिटी और क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी. तो लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म. जो तो हमने साल भर के अंदर पेमेंट करनी हो किसी भी व्यक्ति की, जो भी मुझे देनदारी देनी हो, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी. जैसे कि क्रेडिटर, मैंने उसको बोला कि मैं 2 महीने के बाद आपको कर दूंगी, अभी आप मुझे माल दे दो, तो ये मेरी क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये क्रेडिट ही होगी. इसी तरह से लॉन्ग टर्म, जैसे आपने बैंक का लोन ले रखा है तो आप 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसको पे करते हो, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सो क्रेडिटर जिन व्यक्तियों को आपने पैसे देने हैं फ्यूचर में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं. अगला वर्ड हमारे पास आता है परचेज और सेल. अब इसको ध्यान से समझना है, ये दो तरह के वर्ड है, परचेज और सेल. एक्चुअली में परचेज का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब होता है बेचना. तो ये दो शब्द हम किसके लिए यूज करेंगे? हम ये दो शब्द जो हैं वो गुड्स के लिए, चीज के लिए, जिसमें हम बिजनेस करते हैं उसके लिए यूज करेंगे. जहां पर आपके पास फर्नीचर लिखा हो, टाइपराइटर लिखा हो, आपके पास स्टॉक लिखा हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट लिखी हो, तो वहां पर तो हम वो पर्टिकुलर वर्ड ही यूज करेंगे. लाइक मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं फर्नीचर यूज करूंगी. अगर मैंने लैंड खरीदी तो मैं लैंड वर्ड यूज करूंगी. लेकिन अगर मैंने गुड्स खरीदी तो उसके लिए मैं गुड्स वर्ड नहीं यूज करूंगी, उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? परचेज वर्ड यूज करूंगी. इसी तरह से अगर मैंने फर्नीचर बेच दिया तो मैं फर्नीचर वर्ड यूज करूंगी. अगर मैंने स्टॉक बेच दिया तो मैं स्टॉक वर्ड यूज करूंगी. लेकिन अगर मैंने गुड्स बेची है तो उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? सेल वर्ड. तो जहां पर आपको स्पेसिफिकली नेम ऑफ गुड मेंशन नहीं है वहां पर आप क्या वर्ड यूज करोगे? परचेज और सेल वर्ड यूज करोगे. अब गुड्स जो है, गुड्स का मतलब आपके बिजनेस जिसमें आप डील करते हो. लाइक अगर मैं कपड़े में डील करता हूं तो कपड़ा मेरे लिए क्या हो गया? मेरी गुड्स हो गई. आई हैव परचेज अ रॉ मटेरियल ऑफ क्लोथ. तो अब मैं क्या करूंगी? मैं वहां पर नहीं लिखूंगी कि मैंने क्लोथ परचेज करा है, मैंने गुड्स परचेज करी है क्योंकि मैं उसमें डील करती हूं. तो मैं क्या लिखूंगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. तो वहां पर आप परचेज वर्ड यूज करोगे. अब परचेजेस कैश पर भी होती है, क्रेडिट पर भी होती है. तो ये मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर तो हम इमीडिएटली कैश पे कर देते हैं तो कैश आएगा, अगर हमने उधार पर भी है तो वो कौन सी बन गई? हमारी क्रेडिट परचेजेस बन गई. परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड. अब ये दोनों का मतलब एक ही होता है. परचेज रिटर्न का मतलब कि जब मेरे जो गुड्स खरीदी थी वो मैंने क्या कर दी? वापस कर दी ड्यू टू एनी डिफेक्ट, ड्यू टू एनी रीजन. तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं और उसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं. अब सेल भी मैंने आपको बता दिया कि जब हम गुड्स को सेल करते हैं, अपनी जो चीजें हैं जिसमें हम डील करते हैं, तो वहां पर हम वर्ड क्या यूज करेंगे? सेल वर्ड यूज करेंगे. तो अगर हमने वो सेल्स जो है, किसी व्यक्ति ने हमारे से चीजें खरीदी और उसने वापस कर दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं. अगला है स्टॉक. स्टॉक होता है जो माल हमारे गोडाउन में पड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं. जो स्टॉक होता है वो आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो आपका फिनिश गुड्स भी हो सकता है. जो चीज चाहे वो बनी हुई है, चाहे वो कच्चे माल की तरह है, तो उसका जितना भी लॉट आपके पास पड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं.
नेक्स्ट वर्ड इज रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीवेबल और रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड एंड कमीशन. तो जो भी इनकम आपके पास आई, जो भी इनकम, चाहे वो आपने सेल के थ्रू करी, चाहे आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, चाहे आपको कोई कमीशन रिसीव हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं. एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने बिजली का बिल पे कर दिया, आपने सैलरी पे कर दी, आपने कोई रेंट पे कर दिया, आपने कमीशन पे कर दिया, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो जो भी आपके एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं. नाउ वाउचर, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. इट इज अ प्रूफ दैट अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस. तो कई बार क्या होता है, जैसे कि आप कहीं से कोई सपोज करो शर्ट खरीद के लाए, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, एक पर्ची मिल जाती है, बिल मिल जाता है, तो वो क्या है, वाउचर है. कैश रिसीट, इनवॉइस, कैश मीमो, और इसी तरह से आप बैंक जाते हो, वहां पर आपको स्लिप भर के आते हो, तो वो सारे क्या है आपके लिए, वाउचर्स हैं. इनवॉइस, इनवॉइस इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड व्हेन वन सेल गुड्स टू अनदर. इनवॉइस जो होता है इसको हम बिल भी बोलते हैं, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज बिल. तो बिल में हम क्या लिखते हैं, हम डिटेल लिखते हैं. डिटेल किसके बारे में लिखते हैं, कि मैंने कितनी गुड्स बेची, किस प्राइस पर बेची, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या था, तो इस पूरी डिटेल को हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं. नेक्स्ट इज रिसीट. रिसीट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड. इट इज इश्यू टू द पार्टी पेइंग कैश. तो जब हम कैश में कोई पेमेंट करते हैं और उसके लिए कोई बिल इश्यू कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं. अकाउंट, जो व्यक्ति के साथ जिसका अकाउंट है, सपोज मैंने अनिल को कोई चीज जो है वो बेच दी, तो अनिल मेरे लिए उस टाइम क्या बन जाएगा, एक अकाउंट बन जाएगा. इसी तरह से मैंने सैलरी पे करी, तो सैलरी मेरे लिए क्या है, अकाउंट है. तो आप जितनी भी ट्रांजेक्शंस करते हो उसमें जितने भी नाम आते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स विच वी यूज इन अवर अकाउंटिंग, लाइक सेल, स्टॉक, वाउचर, इनकम, सेल, परचेजेस, इसी तरह से कैपिटल, ड्रॉइंग्स. तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम बार 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 अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज करेंगे. अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मेरे से पूछिएगा. अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड दोबारा से कोई इंफॉर्मेशन जाननी हो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में और कुछ और जानकारी लेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, लाइक शेयर करना जरूर ना भूलिएगा. धन्यवाद.